गौरव जी आपने एक स्टेटमेंट दिया, खड़गे जी ने कहा कि हम आपके कार्यक्रम में क्यों आए, आप हमारा माइक बंद कर देते हैं। ऐसा खड़गे जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम आपके कार्यक्रम में क्यों आए। नहीं नहीं, उन्होंने कहा लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं और हमारा माइक बंद कर देते हैं। मतलब मैंने उस बात का सरलीकरण किया, इतना कहा। नहीं, सरलीकरण नहीं किया आपने, तोड़ मरोड़ के गलत शब्दों को देश के सामने रखा। अच्छा, गलत तरीका है। अच्छा, अब वापस आते हैं। तो उन्होंने आए थे ये कहना क्या, आए थे आलोक भाई, वो आए थे। अरे भाई, वो आए थे या नहीं आए थे, आप जबरदस्ती क्यों कोरिलेट कर रहे हैं उनको? कोरिलेट नहीं कर रहा हूं, आपको गोदी मीडिया कहूंगा फिर अच्छा लगेगा आपको। कोई बात, आपने स्पष्ट कहा कि हम आपके कार्यक्रम में क्यों जाएं? वही बात, ये शब्द एक एंकर के हो सकते हैं क्या? कैसे और ये थोड़ा शब्दों पर ध्यान होने चाहिए। मैं जो पूछ रहा हूं भाग, मैं अरे फिर वही बात, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आए थे नहीं आए थे ना भाई? मैं फिर कह रहा हूं, आपने कहा खड़गे जी ने ये कहा कि हम आपके कार्यक्रम में क्यों जाएं, ये शब्द नहीं बोले खड़गे जी। सर आए थे, लेकिन दिक्कत ये है आप लोगों को मोदी नामा पढ़ते पढ़ते आप लोग कुछ भी कहेंगे। नहीं पढ़ रहा हूं, वो छोड़िए, अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं आप उस पर नहीं आ रहे। मैं भाई, आपने जो सेंटेंस बोला वो गलत बोला, उस पर माफी मांगनी चाहिए, ऊपर से बहस कर रहे हैं। गलत है, आए नहीं थे तो और क्या? आपने गलत स्टेटमेंट यूज किया, आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपने यहाँ पर कहा कि वहां पर खड़गे साहब आए थे नहीं आए थे, ये बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए, आप आए थे, गए थे कि नहीं गए थे? मैंने कहा नहीं गए वो, और उसका मैंने कारण बता दिया। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियली आपसे पूछवाऊंगा कि खड़गे ने ऐसा कब कहा। मैं तो आपसे ऑनियर पूछ रहा हूं, आप मुझे गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? मैं आपसे ऑनियर पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, आप गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? गोदी मीडिया है क्योंकि आप भाजपा की भाषा बोलते हैं। मैं तो उनका बयान कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि ये अपने लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं और हमारा माइक बंद कर देते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप हमें गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? आप स्टेटमेंट चलाइए, आपने गोदी मीडिया कैसे कह रहा हूं, कैसे कहा? अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप मुझे बताइए, आपने गोदी मीडिया कैसे कहा? मैं आप कर रहा हूं, उन्होंने कहा लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते और हमारा माइंड कीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं कहा, उन्होंने कहा कि नहीं कहा। अगर इन्होंने नहीं कहा तो आप बोल दीजिए, उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं और हमारा माइक बंद कर देते हैं, ये बात कही कि नहीं कही उन्होंने? आलोक जी, जवाब पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये बात कही उन्होंने? आपने जो स्टेटमेंट बोली वो गलत बोली, और वो गोदी मीडिया की स्टेटमेंट थी, वो गोदी एंकर की स्टेटमेंट। फिर यही बात है, आप अपने बातों पे, अपने शब्दों पे लगाम नहीं लगाते। गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं आप किसी को? आपको यह कह रहा हूं, आप रिमाइंड कीजिए, क्योंकि आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। मैंने तो ये कहा कि वो सरलीकरण किया, मैंने तो ऑन एयर बोल रहे हैं आप। फिर वही बात, मैंने कहा वो सरलीकरण था, सरलीकरण नहीं किया आपने, स्टेटमेंट है, आपने सरलीकरण नहीं किया, स्टेटमेंट है, आपने झूठ बोली, आप ढिंढोरा पीटते और हमारा माइक बंद कर देते, आपने झूठ बोली, आपने झूठ बोला। मुझे लगता है कि आपने झूठ बोली, इसलिए आपको गोदी मीडिया कहा। मुझे दो तीन बातें त्वरित कहनी है। आपको मुद्दे पर बात नहीं करनी है तो आप यहाँ पर शब्द पकड़िए, अगर आपको मुद्दे पर बात नहीं करनी तो आप शब्द पकड़िए। मुद्दा यह है कि आपके अध्यक्ष ने कहा कि हमारा माइक बंद कर देते हैं, हाँ या ना? शब्द नहीं पकड़ा आपने, बहुत गलत स्टेटमेंट दिया। फिर वही बात, आपने बड़ा अच्छा बोला, आने का प्रयास कर लीजिए, लगता है कि आपको इस प्रकार के ट्रैप में नहीं आना। अब आप यही कर लीजिए, बच्चा नहीं रहा हूँ, अगर आप गलत मैं पूछ रहा हूँ स्वाभाविक है कि नहीं गए आपको, नहीं गए तो उसका कारण क्या हो सकता है? आपने कहा कि आपने ये बोल दिया, अब मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट को अपनी को रिमाइंड कीजिए। मुझे लगता है कि कोई भी शिकायत नहीं कर सकता कि बोलने का मौका नहीं मिला, सबसे ज्यादा यही बोले हैं, और डिबेट में मुझे लगता है कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। घनेंद्र जी और वाजपेयी जी भी हैं यहाँ पर, अब मुझे दो तीन बातें त्वरित रखने दीजिए। शब्दों को लेकर अगर हिम्मत है आप गोदी मीडिया नहीं है तो स्टेटमेंट को रिमाइंड कीजिए। मैं उनकी पूरी भड़ास को सुन रहा था, ये तरीका नहीं है। अब एक एक करके अपनी बात रखने का मौका सबको मिलना चाहिए। घनेंद्र जी हालांकि हमारे सहयोगी नहीं, उनका भी समय है, और वाजपेयी प्रेसिडेंट के लिए झूठ बोलेगा तो मैं रोकूंगा नहीं। आप संरक्षण दीजिए, मुझे लगता है आलोक भाई देना चाहिए। मैंने आपको पूरा मौका दिया, आप मेरे ऊपर पर्सनल आक्षेप लगाते रहे, अब मैं चाहता हूं कि दूसरे पैनलिस्ट का हक ना मारा जाए, उनका जवाब हो जाए, फिर मैं आता हूं आपके पास। देखिए, तथाकथित शब्दों को लेकर कितना भड़ास निकाल रहे, परंतु कृत्यों पर कुछ नहीं कहना इनको, और कृत्य तो सामने आ चुके हैं ना। चलिए इस स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, रणदीप सुरजेवाला का स्टेटमेंट क्या था? क्योंकि जनता आपको वोट नहीं कर रही है तो वो जनता राक्षसी बन जाती है क्या?
मतलब कि वो जनता जो आपको वोट करे वो तो ठीक है, वरना वो राक्षसी बन जाती है। जो मीडिया चाइना से फंडिंग लेकर चाइना के नैरेटिव को गढ़े वो तो बहुत अच्छी मीडिया होती है। और यहाँ पर गौरव जी पैराफ्रेज करते हुए एक सवाल पूछ ले तो गौरव जी को गोदी मीडिया आप मेरे बड़े भाई हैं, कृपया बीच में ना बोले, मैंने आपके एक भी बीच में नहीं बोला। अरे बताइए ना मुझे, लोकतंत्र में चाइना से अगर क्षमता भी होनी चाहिए तो आपकी सरकार पकौड़े तल रही है। मीडिया को गोदी मीडिया बोलेंगे और बताइए ना भाई, पैसा लेकर आरोप लगा के भाग जाओगे क्या? कर रहा है कोविड से लेकर वैक्सीन पर, चाइना से पैसा लेंगे पीएम केयर्स फंड में मोदी जी ने लिया। एक बार उसके विषय में तो आपकी प्रवक्ता की लाइन ने उनको डिफेंड करने का काम किया है, देश की मीडिया को आप गालियां देंगे यहां पर? ये नहीं है तरीका। मुझे केवल दो तीन महीने से पैसा लिया है हाँ या ना? अच्छा ठीक है आलोक भाई, अभी आपने सवाल पूछ लिया शहजाद, जल्दी से 20 सेकंड में फिर घनेन जी के पास जाऊंगा। देखिए मैं तो केवल दो या तीन बातें करना चाहता हूं, ये आज घनेन्द्र जी से पूछना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल चाहे लाख दुश्मनी हो हमसे, गए थे कि नहीं गए थे आज के कार्यक्रम में? क्या अरविंद केजरीवाल जी का सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था क्या? उसके बाद उन्होंने जाकर भाषण भी दिया, दिल्ली सरकार का कार्यक्रम था शायद, उनकी पार्टी का भी संभवतः रहा होगा। पर क्या देश के कार्यक्रम को छोड़ा जा सकता है पार्टी के कार्यक्रम के लिए? वाजपेयी जी की पार्टी का कार्यक्रम नहीं था क्या? ये क्या तर्क है कि मेरी पार्टी का कार्यक्रम था, तुमने सवाल कैसे पूछ ले? तुम गोदी मीडिया मत पूछो मुझे। और ये पहली बार नहीं है, मैंने उदाहरण गिना है, एक उदाहरण लाखरी देता हूं। जवाहरलाल नेहरू जी के 125वीं वर्षगांठ के लिए भारत सरकार की कमेटी जिसका राजनाथ सिंह अध्यक्षता कर रहे थे, इनको पूछा गया, ये उसमें शामिल होना तो दूर, इन्होंने जो पार्टी का कार्यक्रम रखा था उसमें किसी को बुलाया उन्होंने? ये मानसिकता संकीर्ण मानसिकता। ओके जवाब गणेंद्र भारद्वाज, गणेंद्र भारद्वाज क्या नहीं जाना चाहिए था वहां पर बतौर इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को? क्या उनको लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी नहीं देनी चाहिए थी? इसी पर बताइएगा। देखिए गौरव, पिछले 10 साल हो गए लगातार नरेंद्र मोदी जी को लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हुए, आज फिर नरेंद्र मोदी ने फिर झूठ बोले। देश नरेंद्र मोदी के झूठ सुन सुन के परेशान आ चुका है। देश को नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं आऊंगा। अनिल भाई मुझे मालूम है आप गठबंधन धर्म से बंधे हुए हैं, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आप बोल दीजिए गलत है सही है मल्लिकार्जुन खड़गे पर, क्योंकि बहुत बात हो चुकी है तो मुझे आपका पक्ष भी जानना है। मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहां पर जाना चाहिए था नहीं जाना चाहिए था, हाँ या ना? आप अपनी बात बोलिएगा। देखिए गौरव, गौरव मेरे को आप अनइंटरप्टेड 30 सेकंड दे दीजिए, 40 सेकंड में अपनी बात कह दूं, उसके बाद बोलिए बोलिए, लेकिन सवाल से मत हटे। मैं भागने वाला नहीं। मैं गौरव जो आपसे कह रहा था कि लगातार 10 सालों से नरेंद्र मोदी देश को झूठ परोसते आ रहे, लाल किले से आज फिर झूठ परोसा। नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैंने थोड़ी कहा था, उन्होंने कहा था 2020 तक हर गरीब को घर मिल जाएगा, क्या मिल गया? उन्होंने कहा था हर किसान की आय दोगुनी। मान्यवर आप यमुना की सफाई करवा लीजिए पहले, सवाल का जवाब दीजिए। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, क्या मिल गए क्या? आज देश की हालत क्या? उन्होंने भाई मेरे पास समय खत्म हो चुका है, उन्होंने 10 सेकंड में जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आज देश देख रहा है आपको, देश देख रहा है घनेन भारद्वाज मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, जाना चाहिए था मल्लिकार्जुन खड़गे को कि नहीं? गौरव जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से लोकतांत्रिक संस्थाओं को तो केजरीवाल क्यों चले गए? समय खत्म हो चुका है गणेश भारद्वाज, आपको पूरा मौका दिया, 3 बार सवाल पूछा नहीं बोला आपने, अब आप मेरे पर आरोप मत लगा दीजिए कि गोदी मीडिया बोलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि समय खत्म हो चुका है।